गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यास्मिन फ्रॉम CMIS, स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, पार्ट 23, पत्र लेखन। हम जिस कागज़ पर अपना हाल चाल लिखकर दूसरों के पास भेजते हैं, और उनका हाल चाल जानते हैं, उसे पत्र कहते हैं। पत्र हाल चाल जानने का सस्ता एवं आसान साधन है। पत्र लिखना भी एक कला है। पत्र के प्रकार, पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र, दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र किसी अधिकारी या कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं तथा उनके नियम। अनौपचारिक पत्र लिखने के नियम। अनौपचारिक पत्र लिखने के प्रमुख नियम निम्नलिखित है। पत्र के ऊपर बाईं ओर अपना पता और भेजने की तारीख लिखी जाती है। उसके नीचे बाईं ओर पत्र जिसे लिखा जा रहा हो उसे संबोधित करते हैं तथा पत्र के मध्य में अपना हालचाल लिखते हैं। एवं पत्र के अंत में अभिवादन एवं बाईं ओर अपना नाम लिखते हैं। वर्तमान समय में दूरभाष, सचल दूरभाष, ईमेल तथा इंटरनेट ने डाक व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। पत्राचार में न्यूनता आई है, किंतु पत्रों का महत्व आज भी है।
अनौपचारिक पत्र के उदाहरण। मित्र को जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र, लखनऊ, July 20, 2020, प्रिय मित्र अभिनव, नमस्कार। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि इस वर्ष 5 अगस्त को मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा। इस दिन शाम को एक छोटी सी पार्टी होगी। हमारे मित्र एवं परिवार के लोग उस पार्टी में उपस्थित रहेंगे। तुमसे निवेदन है कि तुम भी उस दिन शाम 5 बजे तक अवश्य आ जाना। चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना। पत्रोत्तर की परीक्षा में तुम्हारा मित्र अखिलेश। दूसरा पत्र। पिता को पुस्तक खरीदने हेतु रुपए भेजने के लिए पत्र। वाराणसी, 26 मार्च 2020, परमादरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशल से हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल से होंगे। आगे आपको सूचित कर रहा हूँ कि मेरा नया सत्र प्रारंभ होने वाला है। मुझे अगली कक्षा की पुस्तकें और कॉपियां लेनी है, अतः आपसे निवेदन है कि पुस्तकों को खरीदने के लिए 20,000 रुपये भेजने की कृपा करें। माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा। पत्रोत्तर शीघ्र दीजिएगा। आपका प्रिय पुत्र राकेश। औपचारिक पत्र लिखने के नियम। औपचारिक पत्र लिखने के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। पत्र के ऊपर बाईं ओर अधिकारी के पद
एवं स्थान का नाम लिखा जाता है। उसके नीचे बाईं ओर उसे संबोधित किया जाता है। पत्र के बीच में अपनी बात लिखकर प्रार्थना की जाती है। पत्र के अंत में बाईं ओर दिनांक तथा अपना नाम एवं पता लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण। प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य न्यू पब्लिक स्कूल बाराबंकी। विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय निवेदन यह है कि मुझे कल रात से बुखार आ गया है। अतः मैं आज और कल स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश पंद्रह तथा 16 अगस्त 2020 देने का कष्ट करें। अति कृपा होगी। सधन्यवाद।
की शिष्या। आयुषा कक्षा 3। दिनांक 15/8/2020। तो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क क्या है? आज आपका होमवर्क है औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।